हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म इट्स। हम में से कई लोग अलग अलग जेनर्स की फिल्में देखना पसंद करते हैं, जैसे कि साउथ एक्शन मूवीज़, हॉलीवुड एनिमेशन, हॉलीवुड एक्शन और एडवेंचर मूवीज़ और बहुत कुछ। लेकिन एक कम्युनिटी उन लोगों की भी है जो कि गैंगस्टर, क्राइम और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बॉलीवुड की टॉप 7 गैंगस्टर और गैंगवॉर मूवीज़ के बारे में, जिनमें से कुछ रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। काउंटडाउन शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए घंटी के आइकॉन को भी दबाएं। अब पर आती है फिल्म रईस। 2017 में रिलीज हुई शाहरुख खान स्टारर रईस बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। IMDb की तरफ से इस फिल्म को 6.8 की रेटिंग मिली है और रोटन टमेटोज पर इस फिल्म को 67% वोट मिलते हैं। राहुल ढोला के डायरेक्टेड रईस एक एक्शन और क्राइम वाली फिल्म थी। कहा जाता है कि ये फिल्म क्रिमिनल अब्दुल लतीफ के लाइफ पर बेस्ड थी, लेकिन फिल्म मेकर्स ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि ये एक काल्पनिक कहानी है जो कि किसी इंसान से इंस्पायर्ड नहीं है। अगर बात की जाए इस फिल्म की कहानी की, तो इसमें शाहरुख खान यानी रईस आलम शराब के बिजनेस से जुड़ा होता है, लेकिन ACB मजमूदार यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के आने के बाद रईस का ये बिजनेस चौपट होने लगता है और किस तरह से रईस गरीब लोगों की मदद से सपोर्ट पाता है और एक पॉलिटिकल लीडर बन जाता है, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। ये फिल्म रोमांटिक होने के साथ साथ ही इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही इमोशनल है। जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम में वो धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। आप मेरा ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं, रईस को नहीं छोड़ूंगा मैं। नंबर 6 पर आती है फिल्म शूटआउट एट लोखंडवाला। 2007 में रिलीज हुई शूटआउट एट लोखंडवाला एक एक्शन और क्राइम मूवी है जो कि बेस्ड है 1991 में हुए लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स शूटआउट पर, जो कि हुआ था रियल लाइफ गैंगस्टर्स और मुंबई पुलिस के बीच में। ये फिल्म अपने ढांसू डायलॉग्स, दमदार स्क्रीन प्ले और बेस्ट एक्टिंग और परफॉर्मेंस की वजह से आज भी बहुत पसंद की जाती है। IMDb पर इस फिल्म को 7.1 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अपूर्वा लाखिया, जिन्होंने 2013 में आई जंजीर और 2017 की हसीना पारकर जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया था। अंडरवर्ल्ड, ये अपुन का धंधा डर पे चल। माया अपनी बात से पलट ही नहीं सकता ना भाई, इज्जत है अपुन का। साला बॉम्बे पुलिस का ऑफिस ही जितना छोटा है और अपुन यहाँ अखा बॉम्बे को अपना ऑफिस बना के। तुम लोगों के भेजे में बात तो जाती नहीं, सिर्फ गोली जाती है, और देखना एक ना एक दिन तुम्हारी लाश किसी गली में पड़ी मिलेगी। वो गली दोनों तरफ से खुलती है खान, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं भी। नंबर 5 पर आती है अगली फिल्म कमीने। 2009 में रिलीज हुई फिल्म कमीने, जिसमें शाहिद कपूर ने गुड्डू और चार्ली दो कैरेक्टर का डबल रोल किया था। ये एक एक्शन और ड्रामा फिल्म थी जिसको IMDb ने 1.4 की रेटिंग दी है। ये फिल्म दो जुड़वा और हमशक्ल दिखने वाले भाई गुड्डू और चार्ली की कहानी पर बेस्ड है। इस फिल्म में गुड्डू एक गरीब और सीधा साधा लड़का होता है जिसे हकलाने की आदत होती है, जबकि चार्ली एक तोतला बोलने वाला और रेस कोर्स में एक बड़ा सट्टेबाज होता है और उसे एक बड़ा सट्टेबाज बनने और अपना हर सपना पूरा करने का उसका ड्रीम होता है। लेकिन इस फिल्म में आगे इन दो भाइयों के जुड़वा होने की वजह से कुछ राइवल गैंग्स इनके पीछे पड़ जाती है और गुड्डू की एक गलती की वजह से चार्ली प्रॉब्लम में फंस जाता है। विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड इस फिल्म में शाहिद कपूर, प्रियंका चोपड़ा और अमल गुप्ते ने लीड रोल किया था और ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस हिट थी। किधर मिलेगा वो? 3 साल से कल भी नहीं देखी मैंने। तोतला है? वो मैं फक उफ़ा बोलता हूँ। अरे फक उफ़ा नहीं बोलेगा तो क्या लव बोलेगा? नंबर 4 पर आती है 2010 में आई अजय देवगन और इमरान हाशमी स्टारर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। इस फिल्म में इमरान हाशमी दाऊद अब्राहम के रोल में थे और अजय देवगन एज हाजी मस्तान। इस फिल्म को IMDb ने दिए है 7.4 और 93 गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को पसंद किया है। मिलन लुथारिया डायरेक्टेड वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई बेस्ड है मुंबई के टॉप अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स दाऊद इब्राहिम और हाजी मस्तान की लाइफ राइवलरी पर। हाजी मस्तान यानी सुल्तान मिर्जा, जो कि मुंबई को डिवाइड करके उस पर अपने कंट्रोल और पॉलिटिकल पावर से राज करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ शोएब यानी इमरान हाशमी, जिसका सब कुछ अकेले ही पाने और मुंबई को अपना बनाने का सपना होता है। इस फिल्म के सॉन्ग्स, एक्टिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और कमाल की डायलॉग डिलीवरी ने इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया था और ये फिल्म ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखी होगी ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ। मजाक नहीं जा रहा,
इस शहर को चलाने के लिए सिर्फ दो लोग चाहिए, सुल्तान और मैं। बाकी पांडु सब वनवास जाएंगे। लोग सुल्तान को स्मगलर कहकर बुलाते हैं। सुल्तान मुझे डॉन कहकर बुलाएगा और मुझे अपने गले से लगा लेगा। शेर से हल चलाओगे तो किसान तो मरेगा ही। हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है। नंबर 3 पर आती है फिल्म सीरीज रक्त चरित्र पार्ट 1 और पार्ट 2। 2010 में रिलीज हुई रक्त चरित्र, जिसको IMDb ने 7.6 की रेटिंग दी है और 92 गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को पसंद किया है। ये फिल्म सीरीज एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि बेस्ड है परितला रविंद्र की लाइफ पर, और इस फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आज भी इंडिया में कुछ जगह पर गुंडा राज चलता है। इस फिल्म की कहानी में प्रताप रवि यानी विवेक ओबेरॉय के बाप और भाई की किसी वजह से हत्या कर दी जाती है। इन हत्याओं में नरसिम्हा रेड्डी नागमणि रेड्डी का हाथ होता है, और साथ ही नागमणि का बेटा बुक्का खूनी गुस्से वाला और सनकी टाइप का होता है। इस फिल्म सीरीज की कहानी में आगे प्रताप रवि शिवाजी राव यानी शत्रुघ्न सिन्हा के पॉलिटिकल सपोर्ट से अपने बाप और भाई की मौत का बदला लेने की ठान लेता है। इस फिल्म में लॉ, जस्टिस और पुलिस को कुछ लोगों के लिए नीचा दिखाया गया है। इस फिल्म के दूसरे पार्ट में प्रताप अपने बदले के जुनून को पूरा करने के लिए सूर्या के परिवार को बम से उड़ा देता है, जिसके बाद जो अपने बाप की हत्या को भुलाकर अपने परिवार के साथ खुश रहने वाला सूर्या अपनी जान की परवाह किए बिना रवि प्रताप को मारने की हर मुमकिन कोशिश करता है। खून खराबा और मारकाट ज़्यादातर इन दोनों फिल्मों में देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि विवेक ओबेरॉय ने इस फिल्म से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया था। बाप मेरा, भाई मेरा, मां मेरी, बदला भी मेरा होगा। नागमणि ने प्लान बनाया, मंदा ने किया, और नरसिम्हा रेड्डी ने ऑर्डर दिया, तीनों को मारूंगा। छोड़ दे उसे वरना यही खोपड़ी खोदूंगी तेरी। चल, मैं अपने बदले को भूल गया। उसी परिवार को उसने खत्म कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ बदला है। वो मुझे मारना चाहता है और मुझे उसे मारना पड़ेगा। हर कोई जो उसकी मदद करे या मदद करने की सोचे भी उड़ा दे। मैं मारने से नहीं, उसे मारे बिना मारने से डरता हूँ। अब क्या? नंबर 2 पर आती है एक्शन क्राइम जूनियर मूवी शूटआउट एट वडाला, जो कि हुसैन जैदी की लिखी बुक डोंगरी टू दुबई पर बेस्ड है। ये फिल्म 2013 में रिलीज़ की गई थी, जिसमें जॉन अब्राहम मन्या सुर्वे के रोल में नजर आए थे, और साथ ही अनिल कपूर, कंगना रनौत, तुषार कपूर, सोनू सूद और मनोज बाजपेयी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। शूटआउट एट वडाला बेस्ड है मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन मन्या सुर्वे के लाइफ पर, और ये फिल्म मन्या सुर्वे और दाऊद इब्राहिम की आपसी दुश्मनी पर फोकस्ड है। शूटआउट एट लोखंडवाला की तरह इस फिल्म के डायलॉग्स और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको क्राइम और गैंगवार मूवीज़ देखना पसंद है तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखना चाहिए। तेरा गुस्सा जायज़ है सुबेर, इसलिए तेरी ऊंची आवाज़ बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बर्दाश्त को मेरी कमजोरी मत समझ। कमजोर नहीं साले, पुलिस वाले तुम सब नामर्द, बंदूक तो है लेकिन गोली में लोहा नहीं है। कभी सरकटी मुर्गी को देखा है भाई? कैसे फड़फड़ फड़फड़ाती है वो, जिस्म को यकीन ही नहीं होता कि उसका सर कलम हो चुका है। और वैसे ही फड़फड़ाते हुए तू पायदोनी पुलिस स्टेशन जाएगा और अपने सारे गुनाह कबूल करेगा। तुम सबने धोखा दिया, खाकी की इज्जत करता तो आज खाक में नहीं मिलता। खाक में तब मिलूंगा ऑफिसर, जब रात बन जाऊंगा। जान अभी बाकी है। येरवाड़ा का नवाब मन्या सुर्वे। ए, लेकर निकल अपने दोस्त को और दोबारा इस गली में कदम मत रखना। रखूंगा, और जिस दिन रखूंगा जंगल यही होगा, लेकिन शेर बदलेगा। और पीठ पे वार करता, जिस दिन करेगा मन्या सुर्वे छाती पर वार करेगा। ना वो दिन रमजान पे आए
ना ही गुड़ी पाड़वा, ताकि ना तुझे भागने का मौका मिले और ना ही छुपने का रास्ता। ये तो उसी दिन देखेंगे कि कौन भागता है और कौन छुपता है। इस लिस्ट में नंबर एक पर आती है फिल्म सीरीज गैंग्स ऑफ वासेपुर। 2012 में रिलीज हुई ये दोनों फिल्मों में शाहिद खान की तीन जनरेशंस की स्टोरी दिखाई गई है। ये दोनों फिल्में हमें तीन कैरेक्टर शाहिद खान, सरदार खान और फैजल की कहानी उनके अलग अलग टाइम पीरियड्स के हिसाब से समझाती है। और इस फिल्म सीरीज़ में हमें धनबाद और वासेपुर की कोल माइन की स्टोरी देखने को मिलती है। वायलेंस, क्राइम, पॉलिटिक्स, शूटआउट, लगभग सब कुछ हमें इन दो फिल्मों में देखने को मिलता है। इस फिल्म सीरीज़ के पहले पार्ट में मनोज बाजपेयी ने सरदार खान के रोल को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था, जो आपको हंसी के साथ साथ ताली बजाने पर भी मजबूर कर देगा। IMDb पर इस फिल्म को 8.2 और 96% वोट रोटन टमाटोज पर इस फिल्म को मिलते हैं। इस फिल्म के दूसरे पार्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फैजल खान के गैंगस्टर रोल को बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। अगर बात की जाए इस फिल्म सीरीज़ के कैरेक्टर की, तो इसमें नज़र आए थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हुमा कुरैशी, मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव, ऋचा चड्ढा और पीयूष मिश्रा। और इस फिल्म सीरीज़ के डायरेक्टर है अनुराग कश्यप। अगर आप भी क्राइम और गैंगस्टर वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर सीरीज ज़रूर पसंद आएगी। फटरा उठरा सब उखाड़ दिए चाचा, गाड़ी चलाओगे तो भीतर चले जाओगे। चाहे जितना बड़ा हो जाए, लाड़ के नीचे ही दर्द है। वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? चाबी कहाँ है? गाड़ में डाल लियो क्या चाबी? सवासा हमारे बेटे को दो गोली लगी, इसको देखो। अरे ये रहा, ये तो खड़ा है। तुम्हारी माँ का डॉक्टर मारो, खड़ा तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ खास और गिनी चुनी बॉलीवुड गैंगस्टर और क्राइम ड्रामा वाली फिल्में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।